सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। जीवन में मनुष्य को बहुत सी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना का एक कारण है आग। आग से दुर्घटना होने पर हम अग्निशामक दल या फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। 8 अगस्त 2024 को गगन पब्लिक स्कूल जेल रोड पर फायर ब्रिगेड ऑफिसर आए और बच्चों को आग से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय बताए। अच्छा, घरेलू क्षेत्र में आग लगे तो हम क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे घरेलू क्षेत्र में अचानक आग लग जाए? प्रथम फर्क है कि घरेलू सिलेंडर में आग लगी तो रेगुलेटर बंद करो, आग बंद हो और क्या कर सकते हैं? अगर आग नहीं बुझ पा रही है तो पहले से रेगुलेटर बंद करने के बाद आग लगी तो क्या करेंगे? थोड़ी बहुत आग और है तो क्या करेंगे? आप सूचना कहाँ देंगे ये बताओ? पुलिस स्टेशन नंबर है आपके पास? देखिए, जेड प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए डायल 112 है, लेकिन डायल 112 लखनऊ में, वहां सूचना देंगे तो 2-3 मिनट को ले लेंगे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट को सूचना वापस करेंगे तो 2-3 मिनट वो लग जाएगी। फिर कंट्रोल रूम सूचना देगा फायर को, बिजली विभाग को, जिसकी जहाँ आवश्यकता है, तो 10 मिनट लग गए। आपके पास में डायरेक्टरी नंबर है तो आपकी कार्रवाई 1 मिनट में हो जाएगी। डायल 112 में तो मिनिमम 10 मिनट लग जाएंगे। सपोज करिए आपके पास में फायर सर्विस का नंबर है, आप कहीं आग लगी, किसी दुकान में आग लगी या किसी आप संबंधित नहीं, हमारा परिचय नहीं, दुश्मन के भी घर आग लगी हो तब भी आप दूसरा फायर सर्विस, बिजली की लाइन टूट गई जाती है और वहां से आप चले गए स्कूल, उसके बाद कोई वृद्ध व्यक्ति आया, कोई बच्चा आया तो उसमें जोखिम उठा सकता है। आप किसी समझदार व्यक्ति को वहाँ बताइए, अगर बिजली विभाग का नंबर ना हो तो आपको नंबर ही बताएंगे, नंबर है, मैंने नंबर दे दिया मैडम को, तो वो नंबर आपको बताएंगे। 94-54-40-28-08 जनपद में 2 कंट्रोल रूम होते हैं, 1 देहात कंट्रोल रूम, 1 सिटी कंट्रोल रूम। ये नंबर जो है इसीलिए कि जेड प्रकार की समस्या, आप रास्ते में सफर कर रहे हैं, डर लग रहा है आपको कि वहाँ पुलिस भेजेंगे वो और आपको इतना स्थान आपके घर पर छोड़ के आएंगे, रात्रि में आपके दरवाजे पर वो खटखटा रहा है, आप अकेले गार्जियन से नहीं आ, तो आप पुलिस में सूचना देंगे कि पुलिस संबंधित क्षेत्र की नीति की पुलिस को बिजली लाइन टूट गई तो बिजली विभाग देंगे, कहीं नाले में जानवर कोई गिर गया तो भी फायर ब्रिगेड सूचना, आग लगी तो फायर ब्रिगेड, जैसी भी इससे लेकर जय प्रकार समस्या है तो ये 94-44-28-08 ये सिटी कंट्रोल 07 के सुनिए। अपने को सुरक्षित रखते हुए सबसे पहले अपने को सुरक्षित रखना, मुझे हमें आग को जाने के साथ साथ में सुरक्षित भी रहना है। आग का छोटा रूप है तो 2-3 मिनट की दूरी पर
इसको उठाया मैंने, इसका पैर निकाला, इसको पंच किया। पास में ले गए, जब तक इसको पंच नहीं किया वो इसका टारगेट बना के कहां से आप निकल नहीं पाए। और आप एक या दो सेकंड में आप जो बच जाएगी कि वहां के जो ऑक्सीजन को रोक कर ले जाएगी। क्या मार पड़ा ऑक्सीजन को रोक आग लगे तो हम क्या करें? आप लोग क्या करें? घरेलू चुनाव का क्या करेगा बताओ? नहीं सूचना कहाँ दे रही है? और क्या कर सकते हैं? अगर आग नहीं बुझ पा रही है आपको ज्यादा जानकारी है, सब बच्चों को ज्यादा जानकारी है, लेकिन आप इस फिर से बोले आप इतने तेज दौड़ लगा रहे आप दिल का अच्छी लेकिन जो प्रश्न पूछे हैं उसको उत्तर दीजिए। आप सूचना कहाँ देंगे ये बताओ? रेजिस्टेंस नंबर है आपका? एक सौ ये आया लाइन पर आया एक सौ आया नंबर। देखो पहले नंबर होते थे पहले जमाने पीरियड में सौ नंबर एयर से नंबर फाइव सर्विस का उसका एक सौ बारह अब नंबर चेक हो गए। पहले एक से बारह कंबाइंड कर दिया गया